नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में पहला संबोधन दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया और महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की ये तारीख इतिहास में अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगी और महिला आरक्षण बिल से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। राज्यसभा में पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सदन देश को दिशा देने का काम करे। यहां से कई बुद्धिजीवी आए हैं और राज्यसभा से देश को बड़ी अपेक्षा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा करें और अमृतकाल में प्रवेश लोगों में नई ऊर्जा भरेगा। आज का ये दिवस संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए
हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं बहनों बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं बहनों बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। लोकतंत्र में कौन शासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभाविक भी है, और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है, एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि एक अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कि एक ताकत, उसने अनेक संकटों का सामना किया है, और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की, और जो डेलीब्रेशन हुए उसने तो
दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहां चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है और यहां कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियां, कई चित्र वो जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है। यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों का की विविधता भी है और फेडरलिज्म की सुगंध भी है। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है। पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50-50 साल लग जाते थे, वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं। आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, पुराने भवन में हमने, जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा, हमने वहां कभी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया। 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी और नई दिशा, नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी, डेवलप इंडिया की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पुराने भवन में हम पांचवी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे, मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए, नए संसद भवन में हम अब 100% सेचुरेशन, जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने आईपैड पर है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहाँ बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई ना आए। क्योंकि आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीज़ों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है, हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीजें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीजों का अडप्ट किया जा सकता है, हम इसको करें। मेक इन इंडिया, एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में
हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ करके कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती है, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती है। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके एलिमन में इप्स एंड बर्ड्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, समाज ने इसे अपना बनाया है। और बेटियों का मान सम्मान की दिशा में समाज में एक भाव पैदा हुआ है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में मैं समझता हूं उनके परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है, जो सामर्थ्य अब राष्ट्र जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है। हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना, हमें मालूम है गैस सिलेंडर के लिए पहले एमपी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, गरीब परिवारों तक उसको पहुंचाना, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया। महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक लंबे अरसे से राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लाभालाभ का शिकार हो चुका था, इतना बड़ा मानवीय निर्णय, लेकिन हम सभी माननीय सांसदों की मदद से उसको कर पाया। नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा, और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था, और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे, लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के वुमेन लीड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। आदरणीय सभापति जी, इसी बैकग्राउंड में लंबे अरसे से विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है, और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी, हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है, और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था, एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी।
लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक अंतराव उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है, कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे तो साच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। और जब भी बिल हम सबके सामने आए, तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए आने वाले एक दो दिन में, आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नई संसद है, नई उम्मीद है और नया बिल पेश होने की भी नई लोगों के कयास है। ऐसे में जब आधी महिला को पूरा उनका हक मिलेगा तो सोचिए फिर महिलाएं जो अभी हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, उसके बाद में जब महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी राजनीति में भी तो क्या कुछ कमाल होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।